हेलो गाइस, इस अंकित शर्मा। आज हम लेकर आए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 दिन बाद, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं भी है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे क्रैक किया जाए। आपको फ्रेंड्स 33% इसमें क्वालिफाइंग चाहिए नेक्स्ट पेपर देने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि 33% से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50-55% नंबर लेकर आने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। तो आप कैसे कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, ये आपके लिए आज का वीडियो इसी के लिए बना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉपिक्स की, जो हमारे टॉपिक्स कवर करने हैं हमें चारों में, जो है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं, तो आपके शुरू के जो 4 दिन हैं आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो है मैथ्स पार्ट एंड जीके पार्ट, है ना। तो जो मैथ्स पार्ट है उसमें आप क्या करिए कि अरिथमेटिक लेके बैठ जाइए, क्योंकि उसमें हायर मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो आपको सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ना है। तो अरिथमेटिक पढ़ने के लिए क्या करिए, आप परसेंटेज स्टार्ट करिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस SICI करते हुए टाइम एंड वर्क स्पीड डिस्टेंस टाइम ये सब करते जाइए। आपको हायर मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और फ्रेंड्स आप क्या करिए कि इनके फॉर्मूले रिवाइज करिए बस, ओनली जो भी आपके पास कोई भी बुक्स है अवेलेबल है या कोई कोचिंग नोट्स आपके फॉलो करते हैं, तो आप या कोई आप अन अकेडमी फॉलो करते हैं, बहुत सी साइट्स है यूट्यूब पे, जो भी आप फॉलो करते हैं सब आप उनके फॉर्मूले पढ़िए। आप उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अभी कॉन्सेप्ट मत जाइए, सिर्फ आप फॉर्मूले रिवाइज करिए कि कौन से, जैसे SICI का है तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्मूले पढ़िए, जो भी जितने अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं जिससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं वो पढ़िए। क्योंकि IB की जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें हिसाब से IB से वही क्वेश्चंस देता है जो फॉर्मूला बेसिस पर हो, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं देता है। तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप ओनली फॉर्मूला रिवाइज करिए, आपका अरिथमेटिक ईजिली हो जाएगा। देन हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है जीके। जीके में आप क्या करिए, आपको इंडियन जो आपकी इंडियन जीके है उसको अभी आप क्या करिए तैयारी करने के लिए, आप सबसे पहले करंट अफेयर्स पे जाइए। तो एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे इंडिया जीके के नाम से, तो आप उसको डाउनलोड करिए और उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3 मंथ्स के लास्ट आप उसको लगा लीजिए। आप मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो 6 महीने के क्वेश्चन है वो मत लगाइएगा बिल्कुल भी, आप से लास्ट 3 मंथ के क्वेश्चन लगाइएगा, वो सफिशेंट है एग्जाम्स के लिए और आपको ईजिली आपको निकल सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका जो जीके पोर्शन है वो कवर नहीं होगा करंट अफेयर्स का। बात की जाए बाकी पोर्शंस की, तो आप क्या करिए जो IB का एग्ज़ाम है वो इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा फोकस रहता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी फोकस रहता है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्गेनाइज करवाती है, तो ये दोनों पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाती है। तो आप क्या करिए कि अभी अन अकेडमी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप उस पर सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वहाँ पे, तो ईजिली नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, तो आप उसको जल्दी रिवाइज कर सकते हैं 6 से 7 घंटे के अंदर, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आप लूसेंट से तैयार कर सकते हैं, उसमें सफिशेंट दिया हुआ है, जो हाईलाइटेड एरिया है आप उसको ज़रूर पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़रूर बनेंगे और 5 से 6 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स पर आने की ज़रूरत है। आप हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस मत करिए, हिस्ट्री आपकी जो अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप उसमें एक चीज़ पढ़ सकते हैं, वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है वो बताता हूँ मैं। आपको क्या पढ़ना है कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के समय का जो भी पोर्शन है वो 1920 के बाद का, वो आपको पूरा पढ़ना है। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, सब मूवमेंट्स पढ़नी, स्वदेशी मूवमेंट्स हुई, तो जितनी भी सब मूवमेंट्स आप सब पढ़िए। और क्या करिए, इसके बाद अगर आपकी कंप्लीट हो जाए तो आप जस्ट कुछ नहीं पॉलिटिक्स में जाइए और उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लीजिए, कौन से जितने भी अमेंडमेंट्स है आर्टिकल्स अमेंडमेंट ज़रूर पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा तो फोकस रहता है एंट्रेंस ब्यूरो के एग्जाम्स में, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बात की जाए हमारे 2 क्वेश्चन की, तो उनको कब उठाना था, हमने 4 दिन ये पढ़ा, तो हमारे पास बचा 2 दिन और। तो आपको 2 दिनों में क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ आपको। आपको सुबह से बस लेके बैठना है, आपको इंग्लिश लेके बैठना है और रीजनिंग। इंग्लिश में आपको क्या करना है कि आप अभी आपको पता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज आपको 5 नंबर का आएगा ही बिल्कुल भी, तो उसको आपको ज़्यादा फोकस नहीं होना, आपको 5 नंबर बहुत ईजिली मिल जाएंगे फ्रेंड्स, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वॉकअप पार्ट को कंप्लीट करना है, क्योंकि 9 to 10 क्वेश्चन वॉकअप पार्ट पर जरूर आएंगे। इडियम्स फ्रेजेस पे आ सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे, 3 to 4 क्वेश्चन इडियम्स फ्रेजेस पे आएंगे, तो आप उस पर जरूर फोकस करिए इडियम फ्रेजेस पे, है ना। और वॉकअप में आपका क्या करिए कि आप वॉकअप को जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल, आपके कोचिंग के नोट्स अवेलेबल या बुक्स जो भी आपके पास हैं, तो आप उसके जिस वॉकअप को जस्ट रिवाइज कर लीजिए, एक बार आप पलट लीजिए, और अगर आपको जैसे टाइम मिले तो आप उसको 2 बार भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करिए, आप अगर आपकी जैसे वॉकअप हो जाए तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी ग्रामर के अंदर, वो है एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आप ये 2 चीज़ पढ़ लेते हैं तो आपके 4 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दोनों क्वेश्चन बहुत ईजिली पोर्शन है, तो आप ईजिली कवर कर सकते हैं। और आपने अगर आप नाउन प्रोनाउन पढ़ा है तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स भी आता है तो उसमें 1-2 नंबर आप वहाँ से भी गेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश में ईजिली 40 to 50 नंबर भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं आउट ऑफ 25। और हम बात कर रहे थे मैथ्स की, तो आप मैथ्स में इजीली अगर आप फॉर्मूले पढ़ के जाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 16 to 17 नंबर आप इजीली ला सकते हैं मैथ्स में, आपको बिना मेहनत करे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ओनली फॉर्मूला रिवाइज करना है। थर्ड बात की बात करें तो जीके, तो मैंने कहा था आपको जीके अगर आप पढ़ते हैं जो करंट अफेयर्स मैंने बताया है वो पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आप इजीली 9 to 10 नंबर तो वहीं से लेकर आ जाएंगे फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और अगर आपकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है और आपकी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप 4 to 5 नंबर वहाँ से भी गेट कर सकते हैं। तो आप मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 17 to 18 लाइए जो जीके में, एटलीस्ट आप 12 to 14 नंबर लाने की कोशिश करें। अगर आपके 10 भी आते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
इंग्लिश की, तो हमने इंग्लिश में आपको बताया कि मैंने 50 नंबर आ सकते हैं। बात करते हैं रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉलो करना है आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे किरण के पेपर से आपको वो फॉलो करना है, और इजीली आप उसमें से क्वेश्चन जो भी आपका वीक पोर्शन है उसको पहले कवर करिए, क्योंकि आपको जो आपका पोर्शन अच्छा है उसको कवर करने की कोई मतलब नहीं है, तो आपको जो वीक पोर्शन है उसको कवर करिए और उसको अच्छे से तैयार करिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे आज की बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक IB ACIU एग्जाम 2017। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।